हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकेके एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम इंडियन जीके यानी कि जो भारतीय सामान्य ज्ञान है और जो ज्योग्राफी का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। देखो, यहाँ पर इंडियन जीके का भी टॉपिक कवर होगा और जो ज्योग्राफी का भी टॉपिक है वो भी हम साथ में कवर करेंगे। और जो ये टॉपिक है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, तो जो ये आज का टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक का नाम हमारा क्या है, विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे महाद्वीप कितने हैं, 7। तो उनमें से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। और जो हमारा देश आता है वो कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो आज हम इन 7 महाद्वीपों की जो चार चार इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जानेंगे, जो हर एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप क्या है, दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसके बारे में जो खास बातें हैं वो जान लेते हैं। सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप में, सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना, चीन। चीन, चीन क्या है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा देश एशिया महाद्वीप का, सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव। मालदीव क्या है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट देखिए, सबसे ऊंचा शिखर पर्वत एशिया महाद्वीप का, जो सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये एशिया महाद्वीप का तो है ही, और ये वर्ल्ड का भी क्या है, सबसे बड़ा पर्वत है। अब देखो, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहां पर है, एशिया महाद्वीप में है, और उस नदी का नाम क्या है, यांगसी। यांगसी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगसी नदी। चीन सबसे बड़ा देश है, मालदीव सबसे छोटा है, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पर्वत है, और यांगसी नदी सबसे बड़ी नदी है। अगला जो महाद्वीप है वो हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप द्वीप है जो, उसका जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, अल्जीरिया। सबसे छोटा देश कौन सा है, मोटो। मोटो, मोटो क्या है, सबसे छोटा देश अफ्रीका महाद्वीप का। और अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका का जो महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट किलिमंजारो। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। और दोस्तों, संसार की जो सबसे बड़ी नदी उसको भी नील नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका। अभी हमने 2 महाद्वीपों को कवर किया है, एशिया और अफ्रीका। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है, कनाडा। कनाडा, ठीक है, कनाडा क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, सेंट पीरे। सेंट पीरे क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, दोस्तों उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है, माउंट मैंकिले। माउंट मैंकिले, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तरी अमेरिका की, मिसौरी। मिसौरी नदी क्या है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कनाडा सबसे बड़ा देश, छोटा देश सेंट पीरे, ऊंचा पर्वत माउंट मैंकिले, लंबी नदी मिसौरी नदी। आइए अब अगले महाद्वीप के बारे में जानते हैं, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, इस महाद्वीप के बारे में जो सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का वो कौन सा है, ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। सबसे छोटा देश कौन सा है, फोकलैंड द्वीप। दक्षिण अमेरिका का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है, फोकलैंड द्वीप। और जो सबसे ऊंचा शिखर है, पर्वत शिखर, ओजस डेल सेल्डो। ओजस डेल सेल्डो वो क्या है, वहां का सबसे ऊंचा पर्वत है। और जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, अमेजन नदी।
दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है, मालद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? अमेजन नदी। तो दोस्तों यहां पर एक बार और देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है ब्राजील, छोटा देश फोकलैंड द्वीप, सबसे ऊंचा पर्वत ओजस डेल सेल्डो, सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। नेक्स्ट महाद्वीप है पांचवा महाद्वीप अंटार्कटिका, 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 ठीक है ना। अंटार्कटिका में देखो कोई देश नहीं है क्योंकि वहां का जो तापमान है वहां पर ठंड ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बर्फ है। और वहां पर क्या है, जो समतल भूमि है वो पूरी की पूरी क्या है, बर्फ से ढकी हुई है। और वहां पर जब कोई देश है नहीं तो ना कोई वहां पर बड़ा देश होगा ना कोई छोटा देश होगा। लेकिन वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? विंसन मासिफ। विंसन मासिफ वहां की सबसे ऊंची चोटी है। और वहां की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ओनेक्स। ओनेक्स वहां की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। छठा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। अभी देखो सात महाद्वीप हैं, हमने क्या है पांच महाद्वीपों के बारे में जान लिया, अभी जो छठा महाद्वीप है वो है यूरोप। यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? रूस। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। देखो दोस्तों दुनिया का जो सबसे छोटा देश माना जाता है वो वेटिकन सिटी को माना जाता है, और वो यूरोप महाद्वीप में आता है, और वो यूरोप का भी क्या है, सबसे छोटा देश है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट अल्बरुस। माउंट अल्बरुस क्या है? यूरोप का सबसे ऊंचा क्या है, शिखर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी है? वोल्गा नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा वेटिकन सिटी, सबसे बड़ा पर्वत माउंट अल्ब्रुस, सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। अब दूसरा लास्ट महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो क्या है? लास्ट महाद्वीप है। सात कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उनमें से क्या है हमारा सातवां महाद्वीप है ये। सबसे बड़ा देश कौन सा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का? ऑस्ट्रेलिया ही है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? नोरू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? नोरू। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट कोसुको। माउंट कोसुस्को। माउंट कोसुस्को। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मररे। मररे। मररे क्या है? सबसे लंबी नदी है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। दोस्तों जो भी हम आपको जीके करवाते हैं, चाहे वो स्टेट जीके हो या नेशनल जीके हो या वर्ल्ड जीके हो, हमारा यही प्रयास है कि टॉपिक वाइज करवाएं। एक तो आपका उसको पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और जो हम टॉपिक करवाते हैं उस टॉपिक में से एग्जाम में पीछे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों जो हमारे सात महाद्वीप हैं इनको आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल SKK एग्जाम स्टडी। आज आपने इंडियन जीके का भी कवर किया है और ज्योग्राफी का भी किया है। अगर आपको ये वीडियो बाद में देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर और बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर जरूर आना। जय हिंद, गुड बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।